दिल्ली में हुई श्रद्धा की निर्मम हत्या को लेकर देश में लोगों में खासा रोष पाया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट संस्था ने प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धा के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग की गई है। शिमला के स्थानीय लोगों ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लेकर रोष जाहिर किया है। कैंडल मार्च तक सीमित नहीं रहेगा, ये हम अपना कर्तव्य समझे। जो ये गजनी की औलादे हैं, इन्होंने हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा प्रदूषित किया है। हाईकोर्ट हिमाचल के अतिरिक्त महाअधिवक्ता एवं डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट संस्था के सदस्य भारत भूषण ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बेटियों को अपने झूठे प्यार के झांसे में फंसा रहे हैं और उसके बाद इस तरह की हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हिमाचल में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है और इस तरह की घटनाओं पर सीधे दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मुस्लिम युवक नाम बदलकर हिंदू युवतियों से शादी कर रहे हैं और बाद में युवती को धर्म बदलने के लिए विवश किया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप कानून की मान्यता को भी उन्होंने कहा है कि रद्द किया जाए। ये कोई नई घटना नहीं है, हमारे 35 टुकड़े कर रहे हैं। ये पिछले 20-30 सालों से इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बनता जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि हिंदू बेटी महिला छूने भी नहीं देगा, किसी षड्यंत्र की शिकार होती जा रही है। ये जो साजिश है इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जगत काम करता है। श्रद्धा को काट रहे हैं, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर ऐसा है जो ये चाहता है कि भारत को तोड़ना है, इनके परिवारों को तोड़ना है। इसके लिए उन्होंने ये नई योजना शुरू किया कि मोबाइल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से किसी से भी हिंदू लड़की को लुभाओ, उसे मैसेज भेजो, उसके साथ फिर फ्रेंडशिप करो, फिर धीरे धीरे उसको अपने प्यार में लाकर उससे शादी करो। ऐसी जब घटनाएं चल रही है समाज में, इन घटनाओं से पर्दा उठाने के लिए इस प्रकार के जन जागरण की आवश्यकता है देश के अंदर, वो हम करते आ रहे हैं। वो तो मुझसे प्रेम करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए, इसके अंदर 2013 में सरकार, जो 2013 का यूपी का चुनाव था, उसके अंदर भी पहला मुद्दा यही था। यूपी के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ की बहू, बहन, बेटी, जिसका अपहरण, जिसका रेप, जिसका व्यभिचार किया जा रहा था। अगर यूपी में ये कानून बन सकता है, केरला में ये कानून बन सकता है और हिमाचल में भी ये कानून बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये इसके बाद हम सरकार से भी इस मुद्दे पे बात करेंगे कि हम कानून ये चाहते हैं कि कोई शादी में कोई छल कपट मोह प्रलोभन ना हो। अगर किसी ने किसी से शादी करनी है तो वो एक सामाजिक सुरक्षा है, वो अपना मोहम्मद बन के वो राम ना बने या अभिषेक बन के वो अली ना बने, वो एक जो शादी का कल्चर है हमारे देश में उस लीगल कल्चर को एडॉप्ट करें और विवाह करें। हमारा कोई ऐतराज नहीं है, परंतु ऐतराज तब है जब आप शाम बन के शादी कर रहे हैं, बाद में पता चलता है आप मोहम्मद अली है। उस विवाह से हमें गुरेज भी है, इसलिए कानून में पार्शियलिटी है, निष्पक्षता है कि जो है वो हकीकत लगे। महंगी गाड़ियों में घुमाकर या कैफे में कॉफी पिलाकर सजाचार, हम तो ये कहता है जो किसी भी धर्म का है, किसी मजहब का है, किसी भी सेक्ट का है, अगर वो छंदम रवैये से विवाह करता है, इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देता है, उसको तो फांसी की सजा ही मुकम्मल है। अदरवाइज कल सूटकेस में आई। भारत भूषण, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, जंगल में मिली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहें एएमआई न्यूज। हिमाचल में चुनावों के बेहतरीन कवरेज के बाद अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं हम। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम, आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुँचाएंगे हम। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम हैं एएमआई न्यूज, आपकी आवाज, आपकी आवाज़।